हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का स्टॉक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एक मल्टीबैगर बनने की काबिलियत रखता है, क्योंकि ये मिनरल बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है और आने वाले टाइम में सोलार, स्टील और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी थीम में बहुत काम आ सकता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मेरा चैनल इस आई बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप सब मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। और अगर आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एंजल ब्रोकिंग का डीमैट अकाउंट। यहाँ पे आपको पहला साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री मिलेगा और मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस वो 20 रुपीज पर डील होंगे और भी कई सारे फायदे हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो देखिए, आज का स्टॉक जो होने वाला है वो ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड होने वाला है और ये है उसका वीकली चार्ट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए, एक टाइम पे ये स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपीज और 30 रुपीज हुआ करता था। देखिए ये टाइम पे जो 2000 का जो दौर था, देखिए ये टाइम पे 20 रुपीज, 50 रुपीज, 60 रुपीज पे हुआ करता था। और सडनली इस स्टॉक में जो एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आया था वो अराउंड अबाउट 80 रुपीज के आसपास का था। और तब से देखिए यहाँ पे 2000 अराउंड अबाउट 2018 तक ये स्टॉक ने जो हाई लगाए थे वो 1126 रुपए के आसपास के थे, और वहां से ये स्टॉक देखिए वापस नीचे की तरफ आया है। और अब ये स्टॉक मार्च का लो जो था इसका वो था अराउंड अबाउट 103 रुपीज और वहां से ये ऊपर की तरफ निकला है। तो इसके डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जरूर, ठीक है। इसके कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बताना चाहता हूं, तो मैं पहले आपको उस पॉइंटर्स पे लेके जाना चाहता हूं। तो देखिए, आपके सामने मैंने इस कंपनी के कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 8136 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइस टू बुक वैल्यू निकल करके आ रही है वो 1.79 है, जो कि अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए यहाँ पे 0.98 की है। वन ईयर परफॉर्मेंस जो है वो 30.63% का है। नेट प्रॉफिट इनका जो ये साल का आया था वो 51 करोड़ का है। नेट सेल्स जो हुआ है इनको वो 3093 का हुआ है, और डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो 0.09 की है, जो कि बहुत अच्छी है, ठीक है। और द ग्राफाइट इलेक्ट्रोड मार्केट्स विल रजिस्टर एन इंक्रीमेंटल स्पेंड ऑफ रुपीज, देखिए यहाँ पे 6.3 बिलियन यूएसडी का जो ये लोग ज्यादा स्पेंड करने वाले हैं इस इंडस्ट्री पे, ठीक है। ग्रोइंग एट कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, देखिए यहाँ पे जो कंपाउंडेड जो ग्रोथ रहती है, रेशियो रहता है, वो 9.60 होने वाला है फ्रॉम 2020 से लेके 2024 तक, यानी कि आने वाले 4 सालों में इनका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ का रेशियो जो होने वाला है वो 9.60 को होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए ये कंपनी जो है ये सप्लाई साइड में देखिए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया पैसिफिक जो कंट्रीज है उधर भी सप्लाई करती है, ठीक है। विल हैव द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ओनिंग द सप्लायर बेस, ठीक है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है उसके साथ ही उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। कंपनी विद लो डेट, जैसे मैंने आपको बताया है, कंपनी विद जीरो प्रोमोटर प्लेज, यानी कि इनके प्रोमोटर्स ने कोई भी शेयर अपने प्लेज नहीं रखे हैं। FII, FPI और institutions increasing their shareholding, यानी कि इस कंपनी में जो FIIs, FPIs या फिर जो institutions है बड़े बड़े वो अपने stakes जो है वो इसमें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत ही बड़ी एक मूवमेंट आ सकती है इस कंपनी में, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि बड़े बड़े institutions इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो ये थे कुछ पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो चलते हैं टेक्निकल पार्ट पे स्टॉक के। तो देखिए मैं आ गया हूं अब इस कंपनी के टेक्निकल पार्ट पे, जहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक देखिए पेंडेमिक में, जैसे मैंने आपको बताया, 103 रुपीज का लो लगाया था इसने मार्च में, और वहां से देखिए एक स्टॉक एक स्टेप बाय स्टेप जा रहा था। देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ आया है, वापस ये स्टेप बनाया है, वापस अब ऊपर की तरफ आया है, ये हल्का सा एक स्टेप बना के वापस ऊपर की तरफ आया है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए आपको ये अगर ये लाइन दिख रही होगी, ये इस स्टॉक का 200 डे मूविंग एवरेज है,
यहाँ पे ये स्टॉक देखिए, अगर आप देखोगे तो जब भी ये स्टॉक इस लाइन के ऊपर गया है, एक बहुत अच्छी मूवमेंट आपको दिखाई दी है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इस बार देखिए यहाँ पे 2017-18 में जब ये स्टॉक ने एक अच्छी तरीके से स्टॉक को ऊपर की तरफ निकाला था, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी मूवमेंट आई थी। देखिए यहाँ पे अराउंड अबाउट 74-80 के आसपास इस स्टॉक ने इस लाइन को क्रॉस किया था, और तब से देखिए इस स्टॉक ने एक अच्छी खासी मूवमेंट दी थी, जो कि इस स्टॉक को ले गई थी 1000 रुपीज के ऊपर, यानी कि आप देख सकते हो 126 रुपीज का हाई लगाया है इस स्टॉक ने। और विद इन देखिए, अगर आप देखोगे 2017 में इस स्टॉक ने जनवरी में ये लाइन क्रॉस की थी, और इस स्टॉक ने जो हाईज लगाए थे वो अराउंड अबाउट अगस्त 18 में थे, यानी कि 1.5 साल के अंदर इस स्टॉक ने 100 रुपीज भी नहीं बोलोगे आप, 80 रुपीज से देखिए 1126 रुपीज का हाई लगाया है, यानी कि अराउंड अबाउट 1000 पॉइंट्स, मोर देन 1000 पॉइंट्स इस स्टॉक ने 1.5 साल के अंदर दिए। तो आपको इस स्टॉक में पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हो, तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। कि अगर आप कोई स्टॉक ले भी लेते हो, अगर वो नीचे आता है, अगर वो फंडामेंटली करेक्ट है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप वहां पे उसके लेवल्स देख के आप और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक अब देखिए 180 के लेवल से इस स्टॉक ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट दी थी, जो 250-240 के अराउंड थी देखिए यहाँ पे, और फिर ये धीरे धीरे करके वापस ऊपर आया, वापस नीचे आया था, और ये 200 डे मूविंग एवरेज को इस स्टॉक ने 1 फरवरी यानी कि जो फर्स्ट वीक था उसमें क्रॉस किया। और ये देखिए जो मंडे का दिन था, जो यानी कि कल का दिन था, उसमें स्टॉक ने अराउंड अबाउट 358 यानी कि 360 के लेवल से ये स्टॉक ने 416 रुपीज तक का मूव दिया है। मैं आपको टेक्निकल पार्ट पे इसलिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आपको ये स्टॉक बहुत महंगे लेवल्स पे मिलेगा। अगर आप इन्वेस्टर्स हो फिर भी ये ठीक है, कि अगर आप थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आप इसमें फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे बोलते हैं शेयर मार्केट में, फोमो जो होता है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको फोमो होता है, यानी कि फियर होता है कि अगर हम मिस कर गए ये ट्रेड तो हमें नुकसान, नुकसान नहीं बट हम ये मिस कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको पीछे की साइड ले जाऊं तो यहाँ पे देखिए, जब ये स्टॉक ने 200 डे मूविंग क्रॉस जरूर किया था समवेयर अराउंड देखिए यहाँ पे 78-80 लेवल्स पे, तो यहाँ पे ये स्टॉक ने ऊपर की मूव जरूर दी थी, बट यहाँ पे देखिए वापस 2017 मई में ये करीब करीब नीचे आया था। देखिए 120 के 122 रुपीज, 136 रुपीज का हाई लगा कि स्टॉक ने वापस 102 रुपीज तक की नीचे की साइड दी थी, और फिर ये स्टॉक वापस ऊपर गया है। तो यानी कि मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर कोई लेवल स्टॉक तोड़ रहा है तो यहाँ पे वो स्टॉक ऊपर जाने के बाद हल्का सा एक रिट्रेसमेंट देगा, वो टाइम बेस्ट होता है कि आप वहां पे बाइंग करो, और आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स उस स्टॉक में आते हुए दिखे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ग्राफाइट एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टील इंडस्ट्री को बहुत सारा रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री को बहुत रिक्वायरमेंट होती है ग्राफाइट्स की, जो रॉड्स आते हैं ग्राफाइट्स के, ठीक है। एज अ इन्वेस्टर इसमें ट्रेड करोगे तो आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा इसमें वेल्थ क्रिएट होगा, आपका पैसा नहीं क्रिएट होगा, इसमें वेल्थ क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, इसका जोन जो है वो 360 और 340 ये जोन है, ठीक है। यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज जो है इसका आप यहाँ पे देख सकते हो, या फिर आप अपने अपने पास भी लगा सकते हो 200 डे मूविंग एवरेज, इसको ट्रैक कीजिए। जब भी ये स्टॉक इसके आसपास अगर आपको आते हुए दिखे 10-20 पॉइंट्स, यहाँ पे आप ऊपर नीचे कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, देखिए 80 रुपीज के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था, और उसके बाद ये 102 रुपीज के आसपास आया था। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 ही रुपीज आसपास आएगा, बट आप वो उतना थ्रेशोल्ड रखो, ठीक है। तो 20-30 पॉइंट्स इज नथिंग, मतलब आप वहां पे ऊपर नीचे कर सकते हो, अगर आप इन्वेस्टर हो तो। ट्रेडर के लिए 20 पॉइंट्स बहुत हो जाते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे आप धीरे धीरे करके 360 के आसपास यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये नीचे आता है 380, 370, 360, तो आप धीरे धीरे करके 10-10% में आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर ये आपको 340 और 320 के लेवल्स पे मिलता है, तो आप इसमें
पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। 350, 360 ये रेंज होगी इस स्टॉक में बाइंग करने की। मैं अभी आपको इसलिए बाइंग नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक देखिए आपको 2 दिन में अराउंड अबाउट 300 रुपीज से लेके, यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसके ओपन हाई लो आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो 314 रुपीज से ये स्टॉक ऑलरेडी 416 रुपीज यानी 100 पॉइंट का मूवमेंट दे चुका है। तो यहाँ पे आपको 40 या 50% की रिट्रेसमेंट आ सकती है जो कि स्टॉक को अराउंड अबाउट 360-370 लेवल्स इजिली लेके आ सकता है। तो इस लेवल्स के लिए आप वेट कीजिएगा, ये लेवल्स जब भी आएंगे आपको इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और वहां से फिर ये स्टॉक वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। ठीक है, तो इसमें जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट्स मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे देखिए जो पहले टारगेट्स इस स्टॉक में आएंगे वो होंगे 550 रुपीज के आसपास के, जैसे कि आप देख रहे हो। देखिए यहाँ पे इन लेवल्स पे ये स्टॉक में ऊपर की तरफ बेस बना के ऊपर की तरफ गया था और जब नीचे आया था तभी भी देखिए यहाँ पे 550 ये लेवल्स थी। तो फर्स्ट टारगेट जो होंगे वो 550 के होंगे, सेकंड टारगेट्स मेरे जो होंगे वो इसमें अराउंड अबाउट 700 के होंगे और मेरे जो फाइनल टारगेट्स होंगे वो अराउंड अबाउट 860-800। देखिए यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये 860 का पॉइंट आता है। ठीक है, तो 860 पॉइंट्स के लिए आपको फाइनल टारगेट्स के लिए इसमें बाइंग करनी है। ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड जैसे कि आप जानते हो बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं या फिर आप स्टील इंडस्ट्री देख सकते हो, तो इसका मैं आपको इस कंपनी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके भी इसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो क्या क्या ये कंपनी करती है, कौन से इंडस्ट्रीज को ये कंपनी अपना जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई करती है। ठीक है, तो अभी के लिए ये स्टॉक जो है वो एक इन्वेस्टमेंट पिक है मेरी तरफ से। अगर आपको ये स्टॉक अराउंड अबाउट 360-380 इन रेंज में मिलता है तो ये एक मस्ट बाय है। आपको इस स्टॉक में 550, फिर 700 और फिर 860 के टारगेट्स के लिए आपको इसमें बाइंग करनी है। ठीक है, अगर आप बहुत लंबी अवधि के लिए वेट कर सकते हो तो यहाँ पे आपको 1000+ टारगेट्स भी दिखाई दे सकते हैं, बट आपको इसमें पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों, ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है स्टॉक को, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है, बट आपको एक छोटा सा एक जब रिट्रेसमेंट आएगा तब इसमें बाइंग करनी है। अराउंड अबाउट 360 के आसपास का रेंज होगा मेरा और आपको इसमें अगर स्टॉप लॉस रखना है तो आप इसमें स्टॉप लॉस एक मेंटेन करके चल सकते हो, वो होगा 200 रुपीज का। ठीक है, मैं आपको नीचे का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे 200 का स्टॉप लॉस लेके आप यहाँ पे बने रह सकते हो। आपको डाउन साइड में अगर ये स्टॉक मिलता भी है अराउंड अबाउट 300-280, ये भी ये देखिए इनके बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल्स है अगर आप देखोगे तो, यहाँ पे आपके लिए ये भी लाइन में बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो है इसके लिए सपोर्ट का काम करेगी जो कि होगा 260 रुपीज के आसपास का, तो इसलिए मैं आपको 200 रुपीज का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ इस स्टॉक में। आपको इसमें बाइंग करते रहनी है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करते रहिए इस स्टॉक को और बहुत ही लंबी अवधि के लिए इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए ताकि आपको इससे आपका वेल्थ जनरेट हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों ग्राफाइट इंडिया लिमिटेड के ऊपर, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा जरूर और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैव अ गुड डे। थैंक यू।